एग्जाम्पल नंबर टू से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक के, ये है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज नहीं सॉल्व भी करनी होती है। अभी हमने शुरुआत करी है तो अभी हम फॉर्मुलेशन वाले क्वेश्चन बता रहे हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। Full stop. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. Is one more than twice its breadth. Full stop. Formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot. To determine the length and breadth of the plot. अरे निकालना नहीं है, इक्वेशन बनानी है, बस इक्वेशन बता दो क्या बनी है। इक्वेशन तो बनाई नहीं तुमने, या L is equal to B plus 1, बस ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। पानी क्या करें, देखो भाई तो एरिया सुनो जरा, 528 यूज करें कहीं पर। ठीक है, फिर क्या करा, बी लेंथ को क्या लिख दिया, ये अच्छा 528 पर 36 प्लस 6 कैसे हो गया, बी कैसे हो गया 2b प्लस 1 कर रहे हैं, तो 2b प्लस b थोड़ी कर रहे हैं, तभी तो 3b होता। अच्छा b इनटू 2b कितना हो गया, 3b सॉरी 2b स्क्वायर होगा ये। देखिए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, समझ गए, ब्रेथ को एक्स मान लो ना, ठीक है, तो लेट द of the plot plot की breadth को मैंने क्या मान लिया, x meter, ठीक है, अब length कितना हो जाएगा, बोलो भाई length कितना हो जाएगा, 2x plus 1, उन्होंने बोला है ना, the length of the plot is one more than twice its breadth, breadth के twice से एक ज़्यादा, तो breadth का twice कितना हो गया, 2 into x, और उससे एक ज़्यादा कितना हो गया, 1 2x plus 1 meter, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, वो बोल रहे हैं formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the plot, ठीक, तो क्या होता है, area is equal to 528 meter square, area दे रखा है 528 meter square, और area क्या होता है, length into breadth, is equal to 528, length कितना है 2x plus 1, और breadth कितना है x
is it 2548? 2x into x is 2x square. 1 into x is x. Is it 528? Is further there. 2x square plus x minus 528. इज इक्वल टू जीरो. बस यही हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी थी, बस बनानी थी, सॉल्व नहीं करना. ठीक है, समझ गए. अगला क्वेश्चन देखिएगा. 32 डिजिट नंबर. हाँ, देख तो पहले लिखो इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली ही क्लास है आज, तो इसलिए टेंशन मत लेना. ठीक है, अरे तो दूसरी क्लास है, उसमें पहली क्लास में तो एक ही क्वेश्चन करवाया था. जब इसका मैसेज आया था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, जब तुम फोन करते हो तो उस पर डेक गेमिंग लिखा हुआ आता है. सर वो मेरा वो किलर गेमर है क्या वो? नहीं, किलर गेमर किसने बोला? वो मेरा भाई था, मतलब ऐसे जैसे मैं भाई से परेशान हो गया. अरे भाई ने मेरा छोटा तो वो नंबर बदल से लाना. अच्छा, नंबर है कहाँ आज कल वो भाई तुम्हारा और कौन? अरे कभी बुलाओ उससे मुलाकात, वो इतना टाइम हो गया. कोविड में एक दो बार मुलाकात हुई थी बस. चलिए जी, अगला देखिए एग्जांपल 3. 32 नंबर. इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स of the number. अब देखिएगा, जब भी कभी टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो हम टू डिजिट नंबर वाले में क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट को तो x मान लेते हैं और टेंथ डिजिट को मान लेते हैं y. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, x और y मानेंगे. कई बार ऐसा है कि क्वेश्चन देखकर हमको पता ही नहीं चलता कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वही बेसिक मेथड जो हमको पता है कि भाई अगर टू डिजिट नंबर आ गया तो हम यूनिट डिजिट को एक्स मान लेंगे और टेंथ डिजिट को वाई मान लेंगे, वही मेथड अपनाते हैं. यहाँ पर लिखिएगा लेट द प्लस वाई
let the units digit be x and the tenth digit be y. Let the units digit be x and the tenth digit be y. अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि a two digit number is such that the product of its digits is 12. Given x into y is equal to 12. X into y is equal to 12. x into y is equal to 12, तो यहाँ से क्या होगा, y की वैल्यू निकाल दीजिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 upon x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं, when 36 is added to the number, the digits interchange their places, अगर किसी भी, मतलब when 36 is added to the number, तो नंबर बताइए क्या होगा, 2 digit number, सीधा लिख दो x plus 10y, है ना? क्योंकि यूनिट डिजिट पर x है और टेंथ डिजिट पर y है, तो x plus 10y तो हो गया ना। और रिवर्स नंबर क्या हो गया, 10x plus y। वो बोल रहे हैं when 36 is added to the number, the digits interchange their places. तो नंबर में अगर 36 ऐड कर दिया जाए तो रिवर्स नंबर मिल जाएगा। x plus 10y is 36 is equal to 10x plus y. यहाँ तक clear है? अब ये x और y वाला जितना भी है या सब कुछ हम left hand side में ले आओ। x minus 10x plus 10y minus y plus 36 is equal to 0. x minus 10x कितना हो जाएगा? minus 9x. 10y minus y कितना हो जाएगा, plus का 9y और plus का 36 is equal to 0. तो इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इसकी रूट्स कितनी निकलेंगी, दो
वो दो निकलेगी, तो वो जो दो निकलेगी ना वो क्या होंगी, वो उसकी डिजिट से तो होंगी नंबर की, जो नंबर था हमारा x प्लस 10 वाई है ना, तो x क्या है उसकी एक डिजिट तो है, यूनिट डिजिट या टेंथ डिजिट जो भी है, हमने यूनिट डिजिट माना है, कोई बच्चा उसको टेंथ डिजिट मान लेगा तो टेंथ डिजिट आ जाएगा, ये है बस। ठीक है, एग्जाम्पल फोर देखिए, रोहन's मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, इज ages 3 years from now the product of their ages 3 years from now will be 360. Will be 360. Full stop. Formulate the quadratic equation to find their ages. Thank you.
प्लस 26 करंट तो फिर वो पहले का सही नहीं है हो गया।
अरे मोबाइल में बस थोड़ा सा वो रखा कर वो उससे हाथ को हटाया जा सकता है उनसे तो उसको कितने मतलब उसको मार दो सर लिया हो पर दो दो तो तुम नहीं तो फिर तो क्या हो रहा है चीज लिया एनी चीज आप इसको अभी हाथ में सब कुछ अच्छा सर आ गया अभी तुम कौन है तू नहीं मैं क्या बात है कर लिया सर बस आइडिया क्रिश जो है क्रिश तो अपनी धीरे धीरे स्पेशल पावर्स दिखा रहा है कुछ दिनों बाद तुम चश्मा मत उतार देना कुछ तो बड़ा उसमें ये भी तो होता था कि मैं मैंने यहाँ पर एक मटकी फोड़ा था वो मटकी जुड़ गया फिर से ऐसे भी तो था उसमें कुछ लेकिन ये जो है इसको तो मैंने ऐसे रखा था इसने गिरा दिया था मिला कैसे ये थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया इतने दिन में सब्ट्रैक्शन करना भूल गए तुम सर आयुष को लगा इसको कर रहा है दोनों आर्गुमेंट दिया है अरे 273 है करो ना उसको सही नहीं 26 तो क्या करो 67 से करना है आप लोगों की जो एज के बच्चे हैं ये पता नहीं आजकल मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से डायलॉग सीख रहे हो आप लोग अलग अलग तरीके के ये लड़का का नया पढ़ने के लिए वो दो तीन दिन से मैं बुला रहा था उसको उसका कोई पिछला छूटा हुआ था उसको मैं दो तीन दिन से बुला रहा था बेचारा बड़ा मासूम सा दिखता है एकदम बिल्कुल इनोसेंट है तो उसका कुछ पुराना सिलेबस छूटा हुआ था उसका टेस्ट आने वाला था आज फ्राइडे है आज ही उसका टेस्ट है तो मैं उसको दो तीन दिन से थोड़ा लेट बुला रहा था 9 बजे के बाद बुला रहा था वो आ जाता था अब एक दिन आया दूसरे दिन आया जैसे दूसरे दिन आया तो उसके फादर का मेरे पास मैसेज आ गया कि क्या आप इसको नाइट में पढ़ने के लिए बुला रहे हो मैंने लिख कर भेज दिया यस ठीक है इनका रिप्लाई आया ओके फिर वो नेक्स्ट डे आया जब वो नेक्स्ट डे आया मैंने पूछा कि क्या पापा का मैसेज आया था ऐसे ऐसे कहता हाँ सर आया होगा उनको लगता है कि मैं ना खेलने जाता हूँ मैं पढ़ने नहीं जाता मैं खेलने जाता हूँ मैंने कहा अच्छा तो मैंने कहा कि घर वालों की नज़रों में इमेज ख़राब है क्या तो कहते हैं सर कुछ इमेज ही नहीं है खराब तो बाद में होगी ठीक है तो दो दिन से बेचारा चुप बैठा हुआ पढ़ रहा था मैंने सोचा मैंने कहा इसको शायद दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है चुप चुप बैठा हुआ है ना मैंने एकदम सुना मैंने कहा यार तू तो गुरु है भाई है ना फिर हंसने लगा तो मैंने कहा कहाँ से लाता है इतना ये डायलॉग इतना खतरनाक कहाँ से लेकर आया तो कहता कि सर 11th तो 11th 12th में बच्चे ही होते हैं हाँ कौन सी ज़्यादा उम्र होती है चलिए अब जो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सब आप ही करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन और डिजाइन है
द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, जरा करो भी फर्स्ट पार्ट करो और फैक्टराइजेशन वही होता है ये नहीं वो Thank you.
कॉम्बिनेशन बना बना कर देखा तो ये पता चला 28 और 6 का अगर सबट्रैक्शन कर दिया जाए तो 22 आ गया। वो भी सही है। इंटू इंटू कर दिया एक एक करके ना सर अगर ये माइनस है और ये प्लस है अभी तो ना करना है क्या चीज़ है ना 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 एट अभी देख के बता रहा हूँ एट इनटू 20 करा माइनस 168 आ गया। अब इसके फैक्टर्स ऐसे करने कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 22 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 168 के बराबर आ जाए। ये करना तो देखो कैसे होगा। 8x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 6x माइनस 28 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 22 और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 168 आएगा तो माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है ठीक। अब क्या करेंगे इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है 8 में और 28 में। 4x कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा 2x माइनस 7। यहाँ पर लेंगे 3 तभी तो 2x बचेगा। 2x की वैल्यू क्या आ गई 7/2 एक्स की वैल्यू -3/4 सही है। एक गड़बड़ करिए बस बाकी तो आई लाइक इट। 9 × -2 करेंगे तो -18 आ जाएगा। -6 - 3 करोगे तो -9 -6 + 3 करोगे तो -3 आ जाएगा। -6 × +3 - 18 + 3 एक्स का बाकी दो करेंगे। सही बोलो भाई इधर किलर हुआ कि नहीं कर डाल अभी पीछे वाले 3 किलर बताओ हुआ कि नहीं पीछे वाले हुआ कि नहीं सब अपने अपने आइडिया दे रहे हैं कि सुनना चाहिए।
सर ओके मैं भी तो मन मन में फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं सर ओके 3x - 2 3x + 1 सही चलिए जी मैं आंसर इतना करेंगे बाकी का आंसर बताओ कोई तो 2/3 - 1/3 2/3 - 1/3 सही है मैं बता रहा हूं